डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टी आर फेसिंग ए क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड द सिटीजन आर इंडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक क्राइसिस, एक संकट फेस कर रही हैं बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर अनफेमस अमंग द पीपल्स, अमंग द सिटीजन्स एंड दे आर इंडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। एंड लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक संकट फेस कर रही हैं क्योंकि वो पब्लिक के बीच में, सिटीजन्स के बीच में अनपॉपुलर हैं और इंडिफरेंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। द अवेलेबल एविडेंस शोज दैट दिस बिलीफ इज ओनली पार्शली ट्रू फॉर इंडिया। लेकिन जो ये अवेलेबल एविडेंस है ये दिखाता है कि ऐसा विश्वास भारत के लिए आंशिक रूप से सच है। द एविडेंस बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ द लार्ज सैम्पल सर्वे कंडक्टेड ओवर सेवरल डेकेड्स। और ये प्रमाण, ये टेस्टिमोनी जो है, ये एक ऐसे सीरीज पर आधारित हैं, ऐसे सैम्पल सर्वे सर्वे पर आधारित हैं दोज वर कंडक्टेड ओवर द सेवरल डेकेड्स, कई डेकेड्स में, कई डेकेड्स पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसमें कई डेकेड्स में ये किए गए। ये दिखाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के बीच में ट्रस्टेड नहीं है, विश्वसनीय नहीं है साउथ एशिया में। और जो उन लोगों का अनुपात जो ये कहते हैं कि दे हैव ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट मच और नॉट एट ऑल, जो जो ये कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल पार्टी में बिल्कुल विश्वास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, उनकी संख्या ज़्यादा है जो ये कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल पार्टी में कुछ विश्वास है या बहुत ज़्यादा विश्वास है। सैंपल जो सर्वे है, सैंपल सर्वे जो है वो इस बात के लिए भी सच है कि जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज हैं, नॉट ओनली डेमोक्रेसीज ऑफ इंडिया बट आल्सो इट इज़ ट्रू फॉर द अदर्स डेमोक्रेसी स्प्रेड ओवर ग्लोब। पॉलिटिकल पार्टी आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत कम यकीन करने वाली संस्था है दुनिया में, लोग जो है उन पर कम यकीन करते हैं। येट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बाय फेयरली हाई। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के क्रियाकलाप हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। द प्रोपोर्शंस ऑफ दोज हु सेड दे वर मेंबर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी वाज हायर इन इंडिया। उनका अनुपात जो ये कहते हैं कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं भारत में, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है उन कंट्रीज़ के मुकाबले दोज वर एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया। ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 30 सालों में जो अनुपात है, जो रिपोर्ट ये करते हैं कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, द नंबर ऑफ दो सच टाइप ऑफ पीपल्स आर गोइंग टू बी रिजन्स स्टडीली, वो दिन पर दिन बढ़ रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हुसे दे फील क्लोज टू ए पॉलिटिकल पार्टी हैज आल्सो गोन अप। और उन लोगों का अनुपात जो ये कहते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू ए पॉलिटिकल पार्टी, द नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल्स आर आल्सो रीजन्स इन इंडिया इन दिस पीरियड। ऐसे लोग जो साउथ एशिया में जो ये कहते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा है या कुछ विश्वास है, 37% लोग हैं ऐसे, और 43% ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनका थोड़ा सा विश्वास है, ज़्यादा नहीं विश्वास है और या बिल्कुल विश्वास नहीं है। सच टाइप ऑफ पीपल्स आर 43% और 20% पीपल्स आर देयर हु से दे डोंट नो
कि उनका जो है हाउ मच ट्रस्ट दे हैव इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज, कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कितना विश्वास है। ऐसे लोग जो हैं जो ये कहते हैं कि हम नहीं जानते, उनके परसेंटेज जो है 20% है। ये अलग अलग ये ग्राफ दे रखा है कि पार्टी मेंबरशिप जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। 1967 में अगर 4 से थोड़ा ज़्यादा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर थे, वो अब बढ़ के 16 के लगभग हो गए हैं। और ऐसे लोग डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस पार्टी आइडेंटिफिकेशन हैज गॉन अप इन इंडिया। पार्टी आइडेंटिफिकेशन भी मतलब यानी कि लोग जो है किसी न किसी पार्टी के द्वारा पहचाने जाते हैं, उनका भी उन ऐसे लोगों की संख्या भी भारत में बड़ी है। दोज हु फील क्लोज टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप देख रहे हैं 1971 में अगर उनकी संख्या जो है 38 थी, नाउ इन द ईयर ऑफ द 2005 इट गॉन अप टू द 48%। तो ये बता रखा है कि जो एवरेज है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं, उनकी एवरेज संख्या जो है 9.1 है। वैसे ये ग्लोबल एवरेज बता रखा है, और अलग अलग देशों में ये बता रखा है कि कितने कितने परसेंट लोग जो हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। ये तंजानिया, बांग्लादेश, इंडिया, स्वीडन, युगांडा, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये इसमें ये बता रखा है कि वहाँ एवरेज कितने कितने लोग जो हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं।